इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को लेकर कैसे एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है। मान लीजिए दो टेक्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और एक बटन है। बटन के प्रेस करने पर एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट होना चाहिए। तो पहले दो टेक्स्ट बॉक्स के लिए दो टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए, लेस देन ग्रेटर देन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और का नाम दे दीजिए नेम इक्वल टू txt1। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे और ये टेक्स्ट टू बन जाएगा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। और बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और इसकी वैल्यू वैल्यू इक्वल टू जनरेट जनरेट SQL। अब खाली इतने को डिस्प्ले करा के देखते हैं पहले। तो देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं और बटन में जनरेट आ रहा है, जनरेट SQL नहीं आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, अगर दो वर्ड हो जाएं तो फिर इसको डबल कोट में देना पड़ता है। अगर सिंगल वर्ड है तो डबल कोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो वर्ड हो जाए तो फिर डबल कोट में देना पड़ता है। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जनरेट SQL, इनको भी एक नाम दे देते हैं, प्रॉपर नेम फर्स्ट नेम और इसको सेकंड नेम या लास्ट नेम। सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश तो देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मान लीजिए फर्स्ट नेम में कोई लिखता है अमित और लास्ट नेम में गोयल, और ये जनरेट प्रेस करता है। तो यहां पर फर्स्ट नेम में अमित ले ले, लास्ट नेम में गोयल ले ले, और यहां पर एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट हो। तो कोड में आकर हम बटन में ऑन क्लिक लिखेंगे, क्योंकि क्लिक करने पर जनरेट होगा। तो ऑन क्लिक करने पर कोई फंक्शन रन कराएंगे, जैसे कि fx sql नाम रख देते हैं इसका, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, script स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट ओपन है तो इसको क्लोज कराने के लिए कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। जैसे स्क्रिप्ट रेडी हो गया। और अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नेम fx sql और ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर ऐसे, और डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट sql सॉरी लेस देन ग्रेटर देन सॉरी ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर डबल कोट, यहाँ जो भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट डिस्प्ले कर जाएगी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर SQL लिख देते हैं, और SQL हमारा होगा कुछ इस तरीके से, इंसर्ट इनटू, मान लीजिए टेबल का नेम है TB स्टूडेंट और ब्रैकेट ओपन क्लोज वैल्यूज ओपन क्लोज। ये हमारा SQL स्टेटमेंट है। अगर हम अभी एज इट इज इसको रन करा दें तो क्या होगा कि ये एक टेक्स्ट है जो SQL में स्टोर हो जाएगा और SQL डिस्प्ले करा देगा। पर करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके जनरेट करते हैं। तो देखिए इंसर्ट इनटू TB स्टूडेंट और ब्रैकेट ओपन क्लोज वैल्यूज ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहां पर फील्ड्स के नाम देने हैं। मान लीजिए फील्ड्स के नाम है, यहाँ पर मान लीजिए फील्ड का नाम है एफ नेम, कॉमा एल नेम। अगर आपको SQL नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आपको SQL समझने के बाद ही आप यहाँ पर आ सकेंगे।
तो देखिए एफ नेम एल नेम और इनकी वैल्यूज डिस्प्ले कराने के लिए आपको कोट कॉमा कोट। तो पहली वैल्यू यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम, इसके अंदर कॉमा सेपरेट करता है और फिर यहाँ पर लास्ट नेम आएगा। तो अब हमें दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू लेने के लिए हम एक्स में लेते हैं हम लोग फर्स्ट टेक्स्ट वैल्यू, इसके लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट टी एक्स टी वन डॉट वैल्यू। तो हमें ये डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन ये लिखना ही पड़ता है, और एफ आर एम को एक ग्रुप यहाँ पर ग्रुप करने के लिए यहाँ पर आके फॉर्म यहाँ पर आके स्लैश फॉर्म, और फॉर्म का नाम देना पड़ता है यहाँ पर नेम इक्वल टू एफ आर एम वन। तो क्या हो गया कि ये तीन जो बटन है, दो टेक्स्ट बॉक्स और एक कमांड बटन, ये तीनों एक ग्रुप में आ गए। ग्रुप का नाम है एफ आर एम वन, और कोई भी टेक्स्ट की वैल्यू लेने के लिए या डिस्प्ले कराने के लिए आपको लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन फिर टेक्स्ट की वैल्यू। जैसे देखिए ये एफ आर एम वन, ये जो नाम यहाँ पर दिया आपने वो नाम यहाँ पर आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स वन जो है ये यहाँ पर आएगा और वैल्यू। तो इसकी जो भी वैल्यू है टेक्स्ट वन में वो एक्स में आ जाएगी। इसी प्रकार इसको कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, एक्स को बना देंगे वाई और यहाँ पर टेक्स्ट को बना देंगे, तो सेव करते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि टेक्स्ट वन में जो भी वैल्यू है वो एक्स में स्टोर करा दो, टेक्स्ट टू की जो भी वैल्यू है उसको वाई में स्टोर करा दो, और एक्स और वाई को हमको इसके अंदर हमें डिस्प्ले कराना है। पहले हम एक बार इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। देखिए इसको रिफ्रेश करें और जैसे जनरेट करेंगे तो देखिए इंसर्ट इन टू टेबल नेम एफ नेम कॉमा एल नेम वैल्यूज। अब देखिए डबल सिंगल कोट दो बार आ रहा है कॉमा करके। अब x और y को इसके अंदर डिस्प्ले कराना है, तो अगर हम यहाँ पर सीधा के यहाँ पर हम x लिख दें और सीधा यहाँ पर y लिख दें तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कि वेरिएबल को आप कोट्स के अंदर नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे कि देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए एक डबल कोट यहाँ पर है और एक डबल कोट इसके लास्ट में है, तो दोनों डबल कोट के बीच में जो भी कुछ होता है वो एक सेंटेंस माना जाता है, वो एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। अब हम यहां से लेकर यहां तक, देखिए हमने यहां पर डबल कोट लगा दिया, यानी यहां से लेकर ये यहां तक अब ये एक सेंटेंस बन गया, और उसके बाद हमको किसी से भी चीज को भी जोड़ने के लिए हमको प्लस लेना पड़ता है। प्लस ले लिया तो यानी प्लस एक्स में, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी टेक्स्ट वन की वैल्यू, और उसके बाद फिर से प्लस करके जितने भी टेक्स्ट को आपको जोड़ना है तो डबल कोट में डालना पड़ेगा आपको। देखिए यहां तक ऐसे डलेगा, फिर ये प्लस वाई होगा, फिर स्पेस होगा, फिर प्लस होगा, फिर डबल कोट होगा। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हर डबल कोट के अंदर जो भी कुछ है उसके आगे प्लस होता है, और अगर वो वेरिएबल है तो उसमें डबल कोट नहीं होता। जैसे कि देखो इस प्लस में वाई में डबल कोट नहीं है, देखो ये पूरा एक है डबल कोट है और इसका प्लस यहां पर है, प्लस के बाद डबल कोट के अंदर ये है और फिर प्लस एक्स, एक्स वेरिएबल है इसलिए इसमें डबल कोट नहीं होगा, और यहां से लेकर ये यहां तक एक है। यानी ये क्या करेगा, कितने टेक्स्ट को जोड़ेगा, यहां से लेकर ये एक टेक्स्ट को जोड़ेगा, फिर प्लस एक्स को दूसरा टेक्स्ट, फिर प्लस ये यहां तक तीसरा टेक्स्ट, फिर प्लस वाई चौथा टेक्स्ट, और प्लस इतना करके, यानी कि पांच टेक्स्ट वैल्यूज को ये जोड़कर एक पूरा एक सेंटेंस बनाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एसक्यूएल में ये डिस्प्ले कराएगा। इसको आपको थोड़ा एकदम ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ये एकदम सिंपल है। ये इसको मैं एक सिंपल तरीके से भी आपको बताऊंगा। इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब मैं यहां पर लिखता हूं अमित, यहां पर गोयल, और जैसे मैं जनरेट एसक्यूएल करता हूं तो देखो अमित गोयल उस सिंगल कोट्स के अंदर आ गया। इंसर्ट इनटू टीबी स्टूडेंट एफ नेम एल नेम वैल्यूज अमित गोयल। तो क्या है कि अब ये क्या हुआ कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो
तो यूजर के आगे ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस डिस्प्ले होते हैं जिसमें यूजर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालता है और यहाँ पर सेव बटन होता है। तो जैसे वो सेव बटन दबाता है तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट रेडी हो जाती है। बाद में आपको माई एसक्यूएल और पीएचपी की मदद से यहाँ पर आपको ऐसे एग्जीक्यूट एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, तो फिर ये एसक्यूएल स्टेटमेंट रन कर जाएगा और जो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो डेटा टाइप किया गया है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। इसके लिए आपको पीएचपी सीखना पड़ेगा, पीएचपी पर्सनल होम पेज, जिसके लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट होती है। धन्यवाद।